श्री शिवाय नमस्ते जन। शिव महापुराण कथा का आज अंतिम दिन, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंडाल के चारों तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ है। बारिश के पानी से पंडाल के अंदर में चारों तरफ आप लोग कीचड़ ही कीचड़ देख सकते हैं, किस प्रकार का माहौल हो चुका है आज अंतिम दिन में। तो देखिए, नगर निगम के द्वारा कचरा को उठाया जा रहा है, तो इन लोगों के कारण भी श्रोतागण अच्छे से कथा सुन पा रहे हैं। इन लोगों का, नगर निगम के कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो कि कचड़े को साइड कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं, मैं और भी आगे दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से जो नगर निगम की जो टीम है वो कचड़े उठा रहे हैं, जितनी गंदगियाँ हैं वो सफाई कर रहे हैं, ताकि श्रोतागण अच्छी तरह से बैठ करके आज अंतिम दिन के कथा का श्रवण कर सकें। तो देखिए किस प्रकार का माहौल है, और ये कचरा उठा रहे हैं, ये नगर निगम की टीम है भिलाई की। तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी श्रोतागण को देखिए, पन्नी वगैरह बिछा करके कीचड़ में ही बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। देखिए चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए पूरी तरह, और भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और भीड़ अभी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। तो आप लोग देख सकते हैं, सवेरे जोरदार बारिश हुई थी, जिसके कारण बारिश का पानी पंडाल के अंदर पूरी तरह कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है। आप दूर दूर तक देखिएगा तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं वो मेन पंडाल है, तो मैं आप लोगों को स्टेज दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से नहीं दिख पा रहा है स्टेज, ये है मेन स्टेज। तो आप लोग देखिए अंदर पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। चलिए और भी आगे का नज़ारा देखते हैं, और भी किस प्रकार से मेन स्टेज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए और भी आगे हम जाएंगे और देखते हैं और आगे का नज़ारा कि किस प्रकार का आज स्थिति है इस पंडाल की। तो देखिए कितनी कीचड़ है यहाँ पे, और देखिए कितने जो भक्तगण हैं वे एक दूसरे को बिस्किट वगैरह बांट रहे हैं यहाँ पे। देखिए खुद से ही यहाँ पे सफाई वगैरह किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे बैठ सकें और पूरी कथा का श्रवण कर सकें। तो देखिए आज सवेरे बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। हमारे पंडित प्रदीप मिथा अंतिम दिन में 9 बजे से 12 बजे तक कथा वाचन करेंगे, तो आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ते जा रही है। कई पंडाल तो टूट चुके हैं, वहाँ पे कचरों का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण कई कूड़े यहाँ से हटाए गए हैं, और भी कार्य यहाँ पे जारी है कूड़े को हटाने का। टाइम से पहले तक यहाँ पे सारे कूड़े हट जाएंगे, और श्रोतागण से ये पूरा पंडाल फिर से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये भीड़ है, और सभी श्रद्धालु एकदम खुश हैं कि अभी बारिश रुक चुकी है और श्रोता आ रहे हैं, अधिक मात्रा पे आ रहे हैं। आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज पूरा रिकॉर्ड टूटने वाला है भीड़ से। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेन स्टेज हुआ, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग। ये देखिए यहाँ पे, ये व्यासपीठ जहाँ पे हमारे गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे बैठकर कथा वाचन करते हैं, और ये पंडाल का नज़ारा जो कि बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है, क्योंकि ये मेन पंडाल है। तो आप लोग देख सकते हैं, और भी आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये देखिए आप लोग पंडाल, और कई श्रोतागण भी आने जा रही है, और देखिए यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा है, पुरुष से ज़्यादा तो महिलाएं यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ से स्टेज बहुत पास में नज़र आ रही है, देखिए। देखिए पूरी तरह से ये मेन पंडाल पैक हो चुका है, अंदर जाना इम्पॉसिबल लग रहा है हमें कि अंदर जा कर के हम
पास से वीडियो बनाएं, इसलिए हम बाहर से ही जितना सूट हो पा रहा है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि कूड़े को किस तरह से पंडाल से हटाया जा रहा है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।